हे मैं एमेटियन, सो आज की वीडियो आई एम डैम श्योर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स। आपको आज मैं प्रॉपर लाइव प्रोसेस में करके दिखाने वाली हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाकर कि हमें अपना फर्स्ट माइलस्टोन कैसे कंप्लीट करना है, सो दैट आपको सारा ही प्रोसेस ना अच्छे से समझ आ सके। सो गाइज, आज हम सब कुछ देखने वाले हैं, लाइक हमें माइलस्टोन वाला चार्ट कैसे कंप्लीट करना है, हमें फीडबैक फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करने हैं जो कि बेसिकली मॉड्यूल असाइनमेंट्स हैं, एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स वाले जो क्विजेज हमें दे रखे हैं वो हमें कैसे कंप्लीट करने हैं, वो मैंडेटरी है करना या फिर नहीं, वो भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी। एंड और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें आज वाली वीडियो में सीखने वाले हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग टू एंड वीडियो में बने रहना। एंड वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट स्टिल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, सो प्लीज़ बने रहना वीडियो में। सो फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट माइलस्टोन है ना, दैट इज़ इक्वल टू ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ना फर्स्ट माइलस्टोन का अभी तक मतलब ही समझ नहीं आया। तो फर्स्ट माइलस्टोन बेसिकली वो है कि हमें सारे ही सब्जेक्ट्स के ना जो फर्स्ट मॉड्यूल के असाइनमेंट्स दे रखे हैं हमें वो कंप्लीट करने हैं, एंड फर्स्ट मॉड्यूल के साथ साथ ही ना फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स के साथ साथ हमें काफ़ी सारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्विजेस भी दे रखे हैं, हमें वीडियो लेक्चर्स भी बीच बीच में आपको मैं दिखाऊंगी अभी वीडियो में चलकर। तो आप एक बार ये बेसिकली देख लो कि फर्स्ट माइलस्टोन का मतलब है कि फर्स्ट मॉड्यूल के सारे असाइनमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है, एंड जो फर्स्ट मॉड्यूल की जो डेडलाइन की अगर मैं बात करूँ वो है 14th अक्टूबर, एंड 14th अक्टूबर का मतलब है कि हमें सारे ही जो फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स है ना वो हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट का जो डेमो देने के लिए मैं आपको एक ही सब्जेक्ट का करके दिखा रही हूँ, जो कि है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, अब मैं 5ों की सेपरेटली वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाऊंगी तो फिर बहुत ही वीडियो लंबी चली जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ एक का डेमो करके दिखा रही हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपको इसी प्रोसेस से अपने सारे ही सब्जेक्ट्स को फॉलो करना है, सारे ही सब्जेक्ट्स में हमें फर्स्ट मॉड्यूल का जो असाइनमेंट है सारा कंप्लीट करना है 5ों सब्जेक्ट्स का। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, तो फिर चलते हैं वीडियो में। तो गाइज, ये आ चुका है हमारा पोर्टल, एंड आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स वाला हमारा सब्जेक्ट ओपन है, एंड साइड पे आप ब्लू इंटरफेस पे मॉड्यूल्स भी देख सकते हो। एंड जैसे मैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पे जाके नीचे देखूंगी हमें सामने ही दिख रहा है माइलस्टोन 1। तो गाइज, ये है फर्स्ट माइलस्टोन, एंड मॉड्यूल्स का आप देख सकते हो नीचे हमारे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स वाले क्विजेज हैं एंड वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो चार्ट है माइलस्टोन 1 का, ये ही है हमारा पूरा जो फर्स्ट माइलस्टोन हमें कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि अभी ये सिर्फ 0% ही है, हमें इसको ही फिल करना है सो दैट कि हम अपना फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट कर सकें। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें अपना ये टिक करना पड़ेगा, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोज़ में भी दिखाया है। तो बेसिकली फर्स्ट माइलस्टोन ये है कि हमें लेक्चर्स देखने हैं, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, वो आप देखो या ना देखो वो आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ मॉड्यूल असाइनमेंट्स ही आपको करके दिखाऊंगी मेन, और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले हमें क्विज करने हैं अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। ये आपकी चॉइस है, मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपको करके दिखा रही हूँ जो क्विजेज हमें दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे मार्क्स नहीं लगने, फिर भी हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा सपोज ये वाला क्वेश्चन है, एंड हमें सिंपली अपना क्वेश्चन का मतलब एक या दो हार्डली क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्विजेज में, तो आपकी ये चॉइस है, करो तो बेटर है, बाकी सपोज जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारा मैंने अपना ये नेक्स्ट पेज कर लिया, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस पर भी हम अपना प्रॉपर अपना करके फिर हम सबमिट कर देंगे अपना क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ये पूरा फिल हो गया है, एंड यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन थे, एंड सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड हमारा प्रॉपर जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला क्विज है वो खत्म हो जाएगा। एंड आप साइड पे देख सकते हो कि फर्स्ट हमारा ग्रीन आ रहा है एंड सेकंड हमारा गलत है क्वेश्चन। अगर हम इसे फिनिश रिव्यू पे जाके हम अपना री अटेम्प्ट भी करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। सपोज जैसे लिखा हुआ है री अटेम्प्ट क्विज, हम इस पर क्लिक करेंगे, हम दोबारा से वही वाले क्वेश्चन, मतलब ये ज़्यादा एज सच मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका दिल करे तो कर लेना यार, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट आप फर्स्ट मॉड्यूल जो असाइनमेंट्स है ना वो हमारे लिए मैंडेटरी है, वो आपको करना ही करना है, क्योंकि हमारे जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं उसमें हमारे मार्क्स सबमिट होंगे। ठीक है, तो इसके मार्क्स नहीं लगने, ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सेशन के लिए दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये मैंने पूरा कर लिया, मेरे ग्रेड्स भी 2 out of 2 आ गए हैं। ठीक है, अब नीचे जाएंगे हम। अब सपोज मैंने ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला कर लिया, आपने ये फर्दर ऑन सारा ही सेम प्रोसेस है कंप्लीट करना है, लाइक पहले अपना वीडियो लेक्चर देखना जो ब्लैक वाले हैं, जो ब्लैक वाले आइकन में दे रखे हैं। एंड आपको सेकंड भी मैं एक बार एक क्विक सा करके दिखा देती हूँ, फीडबैक फॉर्म हम जैसे ही भरेंगे, ये हमारा जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्विज हैं। ठीक है, हम सिंपली करके दिखा देते हैं, फिर हमें ऐसे ही अपना पूरा फर्दर प्रोसेस करना है।
तो आप ये दे सकते हो, ये मेरा दोबारा से कंप्लीट हो गया है एंड सबमिट ऑल एंड फिनिश पे मैं क्लिक करूँगी। अब ये मेरा दूसरा जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला मेरा PDF दे रखा था वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हम सिंपली आप जैसे वीडियो लेक्चर देखोगे वन बाय वन अपना करोगे, आपका ये टिक करते रहना आप, ठीक है, साइड बाय साइड। आप देख सकते हो साइड पे आपको माइलस्टोन वन थोड़ा थोड़ा फिल होने के लिए स्टार्ट हो गया, व्यू माई प्रोग्रेस पे जाके चेक करोगे ना तो आपको प्रॉपर ही दिख जाएगा, ठीक है। एंड हम क्लिक करते करते आपका ये सपोज मैंने अब ये सारे देख लिए, तो ठीक है मैं यहाँ पर अपना प्रॉपर अपना सारा ही जो ग्राफ से ये टिक कर दूंगी तो दैट कि मेरा जो माइलस्टोन वन है वो कंप्लीट हो जाए। आपको ऐसा ही प्रोसेस ना हर एक सब्जेक्ट में करना है, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स करके दिखा रही हूँ फर्स्ट माइलस्टोन का, ठीक है। हम नीचे तक जाएंगे, ठीक है। आप सपोज मेरा सारा हो गया, अब मैं सिंपली आऊँगी मेरे फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट पे। इसमें ये हमारा मैंडेटरी है गाइस, आपको करना है क्योंकि ये हमारा इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स इसके लगने हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट है जो कि हमें 14 अक्टूबर तक करना है, डेडलाइन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है, ठीक है। एंड आप 1 अगस्त को आप देख सकते हो कि लाइव हुआ था एंड उसके बाद 15 दिसंबर ये क्विज हो जाएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट अटेम्प्ट करूँगी और हमारे पास ये 3 घंटे का टाइम दे रखा है, जैसे हमारा टाइमर साथ में चलता रहेगा जब तक आप अपना असाइनमेंट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये मेरा आ गया है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सेमेस्टर 1 का जो मॉड्यूल असाइनमेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरे ही ना आप साइट पे देख सकते हो क्विज नेविगेशन भी है, यहाँ पर हमारा साइट पे टाइम चल रहा है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर हमें ये करके निपटाना है एंड हमें अपना सबमिट करना है। एंड हमारे स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हो कि MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस होंगे एंड 17 क्वेश्चंस में से हमें 30 मार्क्स का, मैंने आपको बताया 30 मार्क्स का हमारा असाइनमेंट होने वाला है। एंड 30 मार्क्स का मतलब हमारे 10 to 12 हमें अपने पासिंग परसेंटेज अपना स्कोर करना पड़ेगा, 10 से 12 नंबर आ जाएँ तो मतलब बहुत ईजी है, ऐसे 10-12 तो नहीं आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, पर फिर भी अपना बेस्ट करना, जितना बेस्ट टू बेस्ट अपन परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो, बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो एंड आराम से कर लेना, ज़्यादा ऐसा इश्यूज नहीं है। 17 क्वेश्चंस हैं एंड 30 मार्क्स का हमारा जो असाइनमेंट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि गाइज मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड ये 17 क्वेश्चन है टोटली एंड आप 17 देख सकते हो, क्विज नेविगेशन पे भी आ रहा है, ठीक है। अब हम नीचे करेंगे, फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हो आंसर सेव्ड हो चुके हैं हमारे सारे एंड हमें अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम, मतलब मैंने तो आधे आधे घंटे में यार करके निपटा दिए थे। एंड नीचे आप देख सकते हो सबमिट ऑल एंड फिनिश का ऑप्शन लिख रखा है, हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया फिर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। देखो जैसे आप अपना सबमिट एंड फिनिश पे क्लिक करते हो ना, आपको आपके सामने ही आपके ग्रेड्स दिख जाएंगे कि आपने कितना अच्छा स्कोर करा है। तो मेरे तो 30 out of 30 आए थे, बहुत ही इजी असाइनमेंट था, शायद फर्स्ट मॉड्यूल था शायद इस करके मुझे लगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस थे। आप ये सिंपली देख सकते हो, हम बैक करेंगे। अब मेरा फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट, अगर मैं ये सारे ही जो बॉक्सेस आप साइड पर देख रहे हो ना, अगर मैं सबको क्लिक कर दूंगी तो मेरा फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। कीप इन माइंड कि जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है हमें वो सारे ही सब्जेक्ट्स में करना है फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट्स का, मैं आपको एक सब्जेक्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे आए हैं अपने फीडबैक फॉर्म्स पे। फीडबैक फॉर्म्स तो बहुत ईजी है, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, हमें सिंपली अपना रेटिंग करना होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये वापस हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट माइलस्टोन वाले उस पे चार्ट पे, ठीक है। हम जैसे अब क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्रेस चार्ट है ना वो फिल आउट होने लग जाएगा, ठीक है। अभी डिस्कशन फॉर्म में हमारा नॉर्मली जो हमारे डाउट सेशंस होते हैं उसके लिए मे भी थोड़ा सा नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने अब अपना A to Z अपना सारा ही जो मॉड्यूल है ना वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं जाऊँगी व्यू माई प्रोग्रेस पे। अब नीचे आप जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना परसेंट फिल हो गया। बाकी ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला जो क्विज है वो ज़्यादा एज सच मैंडेटरी नहीं है, आप देख सकते हो 90% मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये जो ऊपर है हमें यहाँ पर भी सिंपली क्लिक कर दोगे तो आपका फर्स्ट माइलस्टोन आपको कंप्लीट शो करेगा, ठीक है। बाकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको हर बार ही बताया कि कंपलसरी नहीं होता, बट आपको अगर अपने सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए करना है देन आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वन बाय वन हम जैसे ही इन सारे बॉक्सेस को फिलअप करेंगे एंड हमारा जो माइलस्टोन चार्ट है वो पूरा 100% फिलअप हो चुका है। व्यू माई प्रोग्रेस में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड हियर वी गो, आप देख सकते हो 100% फुल हो चुका है। बस यही हमें करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स में, आपको सारे सब्जेक्ट्स में जाना है पर्टिकुलरली एंड आपको सारे ही ये जो मैंने आपको बताया टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्विजेस को अपना एक्सेस करके उसके बाद हमें फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट अपना करना है, उसके बाद फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है, सारे ही सब्जेक्ट्स में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और ज़रा टेंशन मत लो गाइस, बिल्कुल चिल हो
हो जाओ, मतलब ज़्यादा भी ऐसा डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा। इंटरनेट की आराम से हेल्प लो और आराम से आप अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस कुछ इस तरीके से हम अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है। अब नीचे आप देख सकते हो फर्स्ट मॉड्यूल टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खैर ये तो अभी बात की बात है, तो आप नीचे आओगे, कैलेंडर पर जाओगे एंड सितंबर को हमें अपना अक्टूबर में जाना है। एंड अक्टूबर में आप नीचे जाके देखोगे 14th की जो डेडलाइन है ना, 14th अक्टूबर की, ये माइलस्टोन 1 लिखा हुआ है। हमें सिंपली यही अपना फर्स्ट मॉड्यूल का जो असाइनमेंट्स है वो हमें 14 डेट तक अपना कंप्लीट करना है। डेडलाइन है हमारी 14th अक्टूबर की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग। बाकी